हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के। ये एक्सेल का आप देख सकते हैं 2007 मैंने ओपन किया है। अब ये हमारे पास डेटा है कुछ स्टूडेंट्स का, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट के नेम है और इनके ठीक बगल में इनके परसेंटेज दिए गए हैं कि ये किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो सकता है, कंप्यूटर साइंस ही हो। तो कंप्यूटर साइंस में इन्होंने, जैसे ये राम है तो 40% है, इनका 67% है, इनका 57 है, ये गीता है तो इनका 90% है। तो अलग अलग परसेंटेज यहाँ पे इन्होंने पाए हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम ये चाहते हैं कि अब यहाँ पर तो एक छोटी सी रेंज है, हो सकता है आपके पास बहुत बड़ी रेंज हो। जब बड़ी रेंज होगी तब दिक्कत होगी ये काम करने में, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। हम ये चाहते हैं कि ऑटोमेटिक जो बच्चा 50 से कम पाया है वो रेड में पूरा इसका ये सर्कल होके आ जाए, मतलब पूरा रेड में आए। जो 50 से अबव है, ठीक है, और एक तरह से कह ले कि 80 से कम है, 50 से अबव है लेकिन 80 से कम है, उसका येलो कलर में आए, और जो 80 से अबव है उसका एकदम ग्रीन कलर में आए। अपने आप ये हो जाए, जैसे हम यहां परसेंटेज चेंज करें ना, ये चेंजेस भी ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाए। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, ये इसको देखते हैं। सबसे पहले आप ये रेंज सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, और रेंज सेलेक्ट करके आपको आना कहां होगा, आपको आना है होम टैब पर। ये जो होम टैब दिख रहा है ना, यहीं पर आपको आना है, और यहां पर जब आएंगे ना तो आपको मिलेगा ये ऑप्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। तो अभी इसी ऑप्शन का यूज हमें करना है, तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए और यहां से हम जाएंगे कहां, मैनेज रूल्स पर। ये जो आपको दिख रहा है ऑप्शन ना, लास्ट वाला ऑप्शन, लास्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, ये ध्यान रखिएगा। कहां जाना है, लास्ट वाले ऑप्शन पे, ठीक है। थोड़ा उससे भी पहले कंडीशन जान लेते हैं। देखिए यहां पर कंडीशन मैंने लिख रखी है, देखिए 50% से लेस अगर उस स्टूडेंट का मार्क्स होगा तो पूरा रेड में हाईलाइट हो जाए वो सेल। अगर 50 से लेकर 90% के बीच में हो तो येलो कलर में हो जाए, या 90 से ज्यादा हो, ठीक है, यहां पर 90 से ज्यादा भी हम कर देते हैं, ये हो गया 95, ठीक है, तो वो पूरा ग्रीन कलर में आ जाए, ठीक है ना। तो ऐसी, हाँ, यहां पर हमने कंडीशन दी है, ठीक है, और ऐसी ही कंडीशन हमको यहां पर देनी है। तो सबसे पहले इनको सेलेक्ट कर लीजिए, आप सेलेक्ट करके कहां चले जाइए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सबसे लास्ट ऑप्शन मैनेज रूल्स, ये यहां पर आना है, क्लिक कर देना है। और इसके बाद ये जो विंडो ओपन होगी इसको ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको जाना है न्यू रूल्स पर। ये कैसे आया फिर दिखाता हूं, देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए और ये लास्ट में मैनेज रूल्स दिया गया है, बस यहीं पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद न्यू रूल्स पे क्लिक कर दीजिए और ये देखिए, ये विंडो जब ओपन होती है, ये देखिए ये विंडो यहां से भी ओपन हो जाएगी, लेकिन आपको यहां से नहीं जाना। ये देखिए ये विंडो यहां से भी ओपन हो जाएगी, लेकिन आपको जाना यहां से नहीं है, आपको जाना है मैनेज रूल्स से और फिर यहाँ न्यू रूल्स पे जाना है, ठीक है। और यहां पर यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, इस पे जाकर के और यहां पर आना है। और यहां पर जैसे ही आते हैं ना तो क्या करना है, अब यहां पर कहानी बड़ी सिंपल हो गई, इज इक्वल टू का निशान लगाइए और हम किस सेल की बात कर रहे हैं उस सेल का रेफरेंस यहां पे दे दीजिए। तो जैसे ही सेल का रेफरेंस देंगे तो यहां पर ये बन जाएगा एब्सोल्यूट सेल एड्रेस, क्योंकि दोनों के पहले डॉलर है ना, ये कॉलम के पहले भी डॉलर और रो के पहले भी डॉलर, तो हमें इसको हटाना होगा। कॉलम के पहले डॉलर जो है इसको भी हटा दीजिए और रो के पहले जो डॉलर है उसको भी हटा दीजिए, और तब आपको क्या करना है, एक कंडीशन यहां पर लगानी है। क्या लगाना है, इज लेस देन, लेस देन क्या कर देंगे, 50%। तो लेस देन 50% कर दिया है, देख सकते हैं बहुत सिंपल है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्लियरली एकदम दिखाई दे रहा होगा ये। और यहां से फॉर्मेट पे चले चलते हैं और यहां पर एक फॉर्मेट लगा देते हैं, क्या फॉर्मेट, रेड वाला है ना, तो लेस देन पे तो रेड वाला ही है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे फिल इफेक्ट पे जाके आप ग्रेडियंट कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यानी दो कलर का मिक्सअप, यहां पर गए पहला कलर रेड ले लिया और दूसरा कलर क्या ले लेते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं लाइक व्हाइट, ठीक है, तो रेड और व्हाइट का कॉम्बिनेशन यहां अप्लाई हो गया। और यहां से जाके ओके करेंगे तो ओके कर दिया, और ये ओके करने के बाद अब देखिए ये ओके हो गया, और ओके जैसे ही करते हैं हम तो यहां से भी क्या करना है आपको, ओके कर देना है। ओके करेंगे तो एक पहला हमारा कंडीशन अप्लाई हो गया, अब आप क्या करिएगा, दूसरे कंडीशन को अप्लाई करिएगा। कैसे अप्लाई करेंगे, सेलेक्टेड रहेगा ये पार्ट और यहाँ पे न्यू रूल्स पे वापस क्लिक कर दीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हुई हो, कोई गलती हो गया हो तो एडिट रूल्स पे भी जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है क्योंकि हमने ऐसी कोई गलती करी नहीं है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, न्यू रूल्स पे जाना है और न्यू रूल्स पे जाके वापस वहीं आना है, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन। अब चूंकि दोनों को जोड़ना है तो यहां पर एक फंक्शन होता है एंड का, किसका, एंड का फंक्शन होता है, तो यहाँ एंड फंक्शन लगा लीजिए, ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए
और इसी को आपको सेलेक्ट करना है, यही वाला, ठीक है। या तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो देखिए ये क्या है, बी बी टू है, तो हम यहां पे लिख देते हैं B2, ये B2 लिख दिया, सिंपल है, ठीक है। और B2 लिखेंगे तो यहां पर आपको ये डॉलर वाला साइन हटाना नहीं पड़ेगा, जैसे यहां से अगर जाते हैं ना तो ये डॉलर वाला साइन अपने आप आ जाता है, तो फिर आपको ये डॉलर वाला हटाना पड़ेगा। तो आपको जैसी सुविधा लगे, जो आपको ठीक लगे, वो वाला मेथड आजमाइएगा, ठीक है, और आपका काम हो जाएगा बहुत इजीली, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये डॉलर वाला साइन हमें हटाना है, यहां से हटा दीजिएगा, और हटाने के बाद फिर क्या करना है आपको, यहां पर कंडीशन देनी है इज ग्रेटर देन, ठीक है, यहां पर दिया है इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहां पे देते हैं 50%, ठीक है, और 50% देने के बाद कॉमा लगाते हैं, और कॉमा लगाने के बाद फिर यहां पर दे देंगे क्या, B2, ठीक है, और B2 देने के बाद क्या करेंगे, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 90 कर दिया, 90%, ठीक है, ये कर दिया हमने। अब तो काम बहुत आसान हो गया, अब फॉर्मेट पे जाइए। अब फॉर्मेट पे भी जाने के पहले ये ब्रैकेट तो बंद कर लीजिए, तो ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं, और ब्रैकेट बंद करके फॉर्मेट पे जाएंगे, और यहां से येलो कलर चूज करके, और यहां से अब देखिए इसमें भी अगर आप पैटर्न लेना चाहते हैं, यानी कि ये ग्रेडियंट कलर बनाना चाहते हैं, तो यहां से आप जा सकते हैं, और यहां से टू कलर का ग्रेडियंट कलर बना सकते हैं। तो ये येलो ले लिया, और चलिए येलो और रेड का कॉम्बिनेशन करते हैं, येलो और रेड का, तो ये ऐसा दिखेगा। तो यहां पर आकर के और ओके करेंगे, वैसे येलो और रेड का लेने के बजाय येलो और ग्रीन का ले लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो येलो और ग्रीन का ले लिया है, और यहां से जाके अब आपको ओके करना है, और ओके करके यहां से भी ओके कर देना है। तो ये दो कंडीशन अप्लाई हो गई है, ठीक है। अब तीसरे कंडीशन की बात हम करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, दो कंडीशन कितने आसानी से अप्लाई हो गया, अब तीसरी कंडीशन भी बात कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट कंडीशन है तीसरी वाली हमारी, क्या है कंडीशन, ग्रेटर देन 90%, क्या है, ग्रेटर देन। तो चलिए वापस चले चलते हैं, न्यू रूल पर क्लिक कर दिया है, अब वही चीज वही डायलॉग बॉक्स फिर ओपन हुआ है, देखिए न्यू फॉर्मेटिंग रूल वाला, इसमें से आपको लास्ट वाला ये ऑप्शन जो कि है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, बस इसी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करके यहां आना है, इक्वल टू का साइन लगाना है, देखिए इसका सेल एड्रेस है B2, तो हम टाइप ही कर देते हैं, फिर हमें हटाना भी पड़ेगा अगर डॉलर लग जाएगा तो हम हटाना नहीं चाहते हैं, तो ये टाइप कर दिया हमने, और यहां पे कहेंगे इज ग्रेटर देन 90%, अगर ये 90% से ज्यादा हो तो ऐसे में कौन सा कलर आ जाए, तो यहां पर आ जाए ग्रीन कलर, एकदम ग्रीन कलर ले लिया है, ठीक है। और अब यहां से इसका फिल इफेक्ट पे जाके इसको ग्रेडियंट भी बनाएंगे, तो यहां पर ये ग्रीन हो गया, और एक यहां पर हम कर देते हैं ग्रीन के साथ व्हाइट, ठीक है, तो ये ग्रीन और व्हाइट कलर का ये आ जाएगा, और यहां से ओके आपको कर देना है, ठीक है। या फिर आप दो दो ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, जैसे ये ग्रीन है और फिर ये ग्रीन है, तो दोनों का मिक्सअप यहां पर आएगा, तो ये हो गया, और यहां से ओके हो गया। अब आप देख सकते हैं कि सारी चीजें हमारी तैयार हैं। अब आपको करना क्या है, यहां पर सीधा यहां से अप्लाई पे क्लिक करना है, और अप्लाई पे क्लिक करते ही देखेंगे आप जादू कि यहां पर जिसका जैसा कंडीशन, अब देखिए ये जो यहां पर दिया है हिसाब किताब ना, बस यहां मैंने ग्रेडियंट भर कर दिया है, ठीक है। अब आप देखेंगे ना कि यहां पर अगर मैं 95% कर दूं तो ये ऑटोमेटिक ग्रीन और थोड़ा सा ग्रीन कलर का हो जाएगा, देखिए यहां 95 किया ना, तो देखिए ये ग्रीन कलर में आ गया, देख रहे हैं। और अगर इसे मैं हटा करके यहाँ 30% 40% या 49 भी कर देता हूं तो ये एकदम रेड में चला जाएगा, तो देखिए ये रेड में आ गया। तो ये फायदा है, और इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।